स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। रुक करते हैं अमेठी का, जहां ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद अपनी संघर्ष में बदल गया। इसके बाद एक परिवार ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। मामला अमेठी के गुंगवास के राजापुर कोहार का है। यहाँ रहने वाले संगठा प्रसाद के घर के पास ग्राम सभा की जमीन पड़ी है। इस पर गांव के ही राम दुलारी ब्रजेश और अखिलेश ने जबरन कब्जा कर लिया था। जब संगठा प्रसाद ने मना किया तो कब्जा करने वाले लोगों ने संगठा प्रसाद और उसके परिजनों पर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये अभी शाम को सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि शाम को दो पक्षों में एक ही गांव के दोनों पक्ष से यादव लोग थे और उनसे आबादी की जमीन को लेकर विवाद था। मारपीट आपस में हुई है तो दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। एक पक्ष के लोग ज़्यादा घायल हैं और 3 लोगों के मरने की सूचना है। कुछ लोग वहाँ जो हॉस्पिटल भेजे गए वहाँ से उनको डिक्लेयर डेड कर दिया गया और जो लोग घायल हैं सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया, कुछ को रेफर कर दिया गया, कुछ का इलाज मौके पर किया गया। हमारे घर के बगल थोड़ी जगह थी और वहाँ पे बड़े भैया रहते थे। हाँ, और जो जिन बगल वाले की जगह थी वो भी वहाँ पे बना रहे। क्या नाम है उनका बगल वाले का? बिगेश दुलारे जी। तो वही जगह थी, उनकी भी जगह थी, हमारी भी जगह थी, अपनी जगह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे थे वो। तो हम लोगों ने उन्हें रोका, फिर थाना पुलिस हुआ, समझौता हुआ, उसके बाद फिर वो लोग मान गए। अब रात में काम शुरू करते हैं, बस देख रेख के लिए गए थे घर वाले, बस इतने में मारने लगे। हमारे साथ घटना घटी है, भैया हमारी जगह बना रहे हैं घर, उसको रोकने गए थे, मार दिया सब कोई को। कौन मारा? दुलारे मारा, अखिलेश मारा, और ब्रजेश मारा, नितिन तिवारी मारा। कितने लोग घायल हुए आपके परिवार के? हमारे परिवार के, हमारे ससुर घायल हो गए, भी हो साहब दूठी प्रधान हमारे खत्म हो गए, जेठऊत हमारे और हमारे हनुमान जेठऊत वो भी हो साहब, हमारे प्रधानी धनु देवी जेठानी वो भी हो सिया है, प्रधान के बेटवा राजा है, उनके बहुत गहरी चोट नोक लागी है। नहीं, ये देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये जो मृतक पक्ष और जो लोग मारने वाले हैं ये दोनों पट्टीदार हैं, एक ही जात के लोग हैं और ये आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद था और उस विवाद में पुलिस ने उन लोगों को रोक भी दिया था, लेकिन आज एक पक्ष द्वारा वहाँ पर बालू गिराया गया और इस पर तात्कालिक विवाद हुआ और लाठी डंडों की चोट आई है लोगों को। तो 2 लोग तो हॉस्पिटल में डेथ हुई, फिर एक आदमी की और हुई इलाज के दौरान, और फिर यह भी पता चला है कि एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई और इसमें जो मुलजिम है उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 15 तारीख को शाम के समय ग्राम पूरे राजापुर गुंगवाच थाना अमेठी में यादव पक्ष के 2 पटीदारों में जमीन के आपसी विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और शेष करीब 5-6 लोग घायलों का इलाज चल रहा है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां से रेफर किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभी तो गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना में शामिल अभी तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो अमेठी में ग्राम समाज की जमीन को लेकर के जो विवाद हुआ वो खूनी संघर्ष में बदल गया। एक परिवार ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से दूसरे परिवार पर हमला कर दिया और इस संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेठी के गुंगवाक्ष के राजापुर कोहार का पूरा मामला है। केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी को लेकर होगा ज्वाइंट फैसला। यूपी उत्तराखंड के दोनों ही नेता पार्टी के लिए बेहद अहम है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में पिछड़ों के लिए बड़े नेता हैं। उत्तराखंड में कम समय में काफी लोकप्रिय हुए हैं धामी, तो केशव प्रसाद मौर्य और धामी को अधर में नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी। यूपी और उत्तराखंड के ये दोनों ही बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे और खटीमा से वो चुनाव हार गए।
केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे, सिराथू से चुनाव हार गए और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आलाकमान इन दोनों ही नेताओं पर ज्वाइंट फैसला लेगी। पार्टी के लिए दोनों ही नेता बेहद अहम हैं और ऐसे में किसी को भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक्शन में योगी सरकार, नकल कराने वालों पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन होगा। सीसीटीवी की निगरानी में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, सॉफ्टवेयर के जरिए परीक्षा केंद्रों पर होगी कर्मचारियों की तैनाती, संवेदनशील जिलों में एसटीएफ की होगी पैनी नजर, परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जेएम के नामित अधिकारी कराएंगे, हर जिले में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड के जो एग्जाम होंगे यूपी बोर्ड के, उसे लेकर के योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो पेपर लीक का मामला आया उसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर रहा योगी सरकार पर, ऐसे में योगी सरकार बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए तय किया गया है कि नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन होगा, सीसीटीवी की निगरानी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है जहां सीसीटीवी की निगरानी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी विधानसभा में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद योगी का एक बार फिर बुलडोजर दौड़ने लगा है। कानपुर से लेकर मेरठ तक बुलडोजर की दहाड़ देखने को मिल रही है। दरअसल मेरठ अवैध रूप में दुकानें बना रखी थी बदन सिंह बद्दो की काली कमाई और कानपुर में बाबा के बुलडोजर ने अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पार्ट टू में पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है जो सालों साल चलेगी। आपको याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ ने अक्सर चुनावी सभा में कहते थे कि बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजे गए हैं जो 10 मार्च के बाद आएंगे और अपने काम में लग जाएंगे, तो काम अब शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखें। 20 का पूरा तय हो चुका है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। दस मार्च के बाद योगी बाबा का बुलडोजर अपने काम पर लग चुका है और अपराधियों के अवैध संपत्ति पर पंजा मारना शुरू कर दिया है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बार बुलडोजर फिर कर्जा और कुख्यात बदन सिंह बदो की अवैध प्रॉपर्टी को जमीन दोस्त किया। माफिया बदन सिंह बदो ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। बदन सिंह और उनके कुछ साथियों ने सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा किया था। पार्क पर कब्जा करके फैक्ट्री बनाई गई थी और कुछ दुकानों का निर्माण किया था। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। मेरठ के बेरीपुरा रहने वाले कुख्यात बदन सिंह बद्दो की तलाश में पिछले 3 साल से यूपी पुलिस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम लगी है। पुलिस कस्टडी में फरार बदो पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। बदो के अतीत और हिस्ट्री शीट को जानने के लिए करीब 2.5 दशक पीछे जाना होगा। दरअसल मेरठ जिले के टोपी नगर थाना क्षेत्र के पंजीबीपुरा का रहने वाला बदन सिंह बदो लगभग 25 साल पहले मामूली ट्रक ड्राइवर था। इसके बाद मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी छोटी घटनाओं से वह सुर्खियों में आने लगा। जल्द ही बदो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुशील मुंज और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आया। यहां से वो लगातार अपराध जगत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कुख्यात बदन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीनी कब्जा तक करने के सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। पिछली सरकार में बदन सिंह बदो की पूरे यूपी और एनसीआर में तूती बोने लगी थी, लेकिन 2017 में यूपी में योगी की सत्ता संभालते ही बदन सिंह बदो सहित तमाम अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
बीते साल में भी बदन सिंह बदो की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला था और एक बार फिर उसके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। सीएम योगी जनता से किए अपने वादे को निभाने में जुटे हैं। योगी के बुलडोजर का अगला निशाना कौन सा माफिया का अवैध कब्जा होगा, इसका इंतजार हम सभी को है। न्यूज वन इंडिया के लिए मेरठ से अतुल शर्मा की ये रिपोर्ट। बीजेपी के प्रचंड जीत और यूपी में डिप्टी सीएम के नाम को लेकर कयास और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जी हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोगों को प्रचंड बहुमत मिला चार राज्यों में, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, डिप्टी सीएम के लेकर नामों पे कई नामों को चर्चा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम जीत मोदी जी का सच्चाई से मिला, मोदी जी का कड़ी मेहनत से मिला उस जीत? मोदी योगी डबल इंजन सरकार अच्छा किया, अच्छा डिलीवरी दिया, उसके वजह से मिला वो जीत? गरीबी कल्याण ध्यान दिया, उसके वजह से मिला? लैंड ऑर्डर ठीक किया, उसके वजह से मिला? पॉजिटिव नैरेटिव वजह से चारों प्रांत में जीत मिला। सबसे बड़ी बात है सर, उत्तराखंड, हालांकि उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि बाबा एक बार शायद फिर से रिपीट करने वाला है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर कई नामों पे चर्चा और मंथन चल रहा है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। उत्तराखंड किसकी हाथों में कमान जाने रहा? बीजेपी हाथ में, उत्तराखंड भी सुरक्षित है, यूपी भी सुरक्षित है, मणिपुर भी सुरक्षित है, राजस्थान भी, गोवा में भी सुरक्षित है। कौन सीएम होगा, डिप्टी सीएम होगा, मंत्री होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग और लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में तय होगा, बाहर में नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा सर, अभी भी विपक्ष जो है जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो ईवीएम पे आज भी सवाल उठा रहे हैं। एवरीवन वोटेड मोदी, ये कब हारता है ना, उस समय ईवीएम के बारे में आरोप करता है, विश्वास नहीं रखता है, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, इसके लिए ईवीएम के ऊपर आरोप करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हारता है वही ईवीएम के ऊपर आरोप लगाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत के आरोप के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सफाई दी है। हरीश रावत ने भावुक होकर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे खड्डे में दबा दिया जाए। टिकट और पार्टी के पोस्ट बेचने के आरोप पर हरीश रावत ने कहा कि होलिका जल रही है, कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें जला दे। आप ही में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट भेज दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े मैं दो लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट भेज दिया। अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को, उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, हाँ खड्ड में दबा दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि चुनाव से पहले उठे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद की जांच की जाएगी। गोदियाल ने कहा, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना कहीं भी नहीं था और ये व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी बात रखी गई थी, लेकिन बीजेपी द्वारा उसी को मुद्दा बनाया गया और इस लिहाज से उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि उसके बारे में कांग्रेस जांच करेगी। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भीतर घात हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें आखिरकार लाल कुआ भेज दिया गया। ताड़ बना दिया प्रधानमंत्री, ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसमें वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी,
वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को तिल का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुँह से कह दिया और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को जबरदस्ती चिपका दिया गया कि कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने कहा का? कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की और वो कार्यकर्ता ने मांग की और उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था वो सफल रहे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आ गए हैं तो एक मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं, जबकि 3 मंत्रियों के पद अब रिक्त हो गए हैं। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। चुनाव जीतकर आए रितु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं, जबकि मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री का मिथक तोड़ने वाले अरविंद पांडे भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं। देखिए ऐसा है, मैं जैसा संगठन निर्णय लेगा, यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैं वहाँ गई, वहाँ से जीत कर आई हूँ, तो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ। जो संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा होगा। बिल्कुल रहा, जबरदस्त योगी मैजिक, और जिस तरह का कार्यक्रम हमने कोटद्वार में किया वो 22 सालों में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, तो बिल्कुल योगी मैजिक तो था ही। यह व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। यह मिथक भी टूटा है तो ये उत्तराखंड प्रदेश की जो महान जनता है इनकी वजह से है, भगवान की कृपा है। और जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, उसी पर आम जनता ने मोहर लगाई है, हम उसकी वजह से जीते हैं। यह मिथक भी उनकी वजह से टूटा है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ। तो जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगा हम निर्णय के साथ हैं, और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी संगठन हमको देगा हम जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। नोएडा पुलिस ने महज 24 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा करते हुए सेक्टर 63 और पुलिस स्वाट टीम ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि 7 साल की बच्ची को सेक्टर 63 से अपहरण किया गया था। बागपत के खानपुर लोहारी गांव में तांत्रिक सत्येंद्र उर्फ सोनू वाल्मीकि होली के शुभ मुहूर्त पर देवताओं को खुश करने के लिए बच्ची की बलि देने के लिए बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण की वारदात में आरोपी सोनू और उसका साथी नीटू दोनों मिलकर बच्ची का अपहरण किया था। अपहरण के बाद तांत्रिक सत्येंद्र उर्फ सोनू वाल्मीकि समेत 3 आरोपी फरार हो गए। फिलहाल सीपी आलोक सिंह की ओर से सकुशल बच्ची की बरामदगी और खुलासे को लेकर पुलिस की टीम को 50,000 रुपए बतौर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। शादी न होने पर एक बच्ची का अपहरण किया जाता है और अपहरण करने के बाद उसकी बलि देने की तांत्रिक द्वारा साजिश रची जाती है। पुलिस सकुशल उसको बरामद कर लेती है। हमारे साथ हैं डीसीपी हरिशंत सर, किस तरीके से पुलिस ने इसको बरामद किया और क्या कुछ अपहरण कांड के पीछे कहानी है? ये 13 तारीख को एक सूचना हम लोगों को मिली थी कि थाना सेक्टर में छिजारसी कॉलोनी के डूब क्षेत्र में एक बच्ची गुम हो गई है, और इसमें जो है वो उसके माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा भी बच्ची को ढूंढा जा रहा था, साथ में हमारी भी 4 टीमें लगी हुई थी। और इसके आधार पे हमने कुछ CCTV फुटेज मैनुअल इनपुट्स के आधार पे 2 लोगों को चिन्हित किया, और जिसमें एक का नाम नीटू है और दूसरा सोनू है। ये दोनों रिलेटिव हैं, जीजा और साले हैं। इसमें इनके द्वारा बच्ची का, जो लगभग 7 साल की थी, इसका अपहरण किया गया, और अपहरण करके ये अपनी दूसरी बहन के यहाँ बागपत में लेकर के गए। वहाँ पर जो है बच्ची को रखा हुआ था। पुलिस को जैसे ही इनके इनपुट्स मिले, जानकारी हुई, तत्काल पुलिस ने जो है वहाँ रेड की, बच्ची को सकुशल बरामद किया। दोनों अभियुक्त जो है वो पुलिस हिरासत में है,
और इसमें जो है वो सोनू के द्वारा जो बताया गया कि मेरी शादी नहीं हो रही थी और जो सोनू भगत है उसके जीजा का जो दूसरा भाई है वो तांत्रिक का काम करता है, तंत्र मंत्र जानता है, उसने ये सलाह दी कि अगर किसी बच्चे की जो है वो बलि दी जाए तो शादी हो सकती है। उसी क्रम में सोनू ने इस बच्ची का अपहरण किया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही जो है और तांत्रिक की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, घटना की सूचना के बाद परिजनों ने जब घटना की सूचना दी, महज कितनी घंटों के बाद पुलिस ने इस घटना को अनावरण कर दिया? जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई लगभग 5 से 6 बजे के बीच में पुलिस को जानकारी हो गई थी, हमारी टीमें सक्रिय हो गई थी और 24 से 36 घंटे के अंदर हमने जो है वो बच्ची बरामद कर ली, अभियुक्तों की जो है गिरफ्तारी कर ली। सर, सीपी सर द्वारा एक इनाम घोषित किया गया है टीम को? हाँ जी, 50,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है, पर वाकई में ही अच्छा काम है टीम ने किया, उस बच्ची की जान भी बची और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो हम लोग सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे DCP हरिश्चंद, जिनका साफ कहना है बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है, 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसके साथ में 3 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की लगातार पुलिस जो है धरपकड़ कर रही है। विजय स्टाइल के साथ मिशन शर्मा, न्यूज मीडिया, नोएडा। वाराणसी में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की तरफ से वोटरों को थैंक्स करने के लिए सड़कों पर तेज आवाज में गाने और बड़ी स्क्रीन पर लोक गायकी और चुनाव प्रचार के दौरान के दृश्य को दिखाकर 1 तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। होली के इस मौके पर परिवार, स्थानीय कार्यकर्ता और नेता जो है एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। तो वहीं जय श्री राम, योगी जी ही जीतेंगे, यूपी में कावा मंदिर वही बनाएंगे, घर घर भगवा फहराएंगे, रामराज फिर आएगा, इस तरीके के गाने भी सुनाए जा रहे हैं। मसूरी में पेयजल योजना के तहत मसूरी मॉल रोड समेत कई क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने का कार्य अव्यवस्थित और धीरे गति से चल रहा है, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के सभासदों ने विरोध शुरू कर दिया है। सभासद दर्शन रावत, जसवीर कौर, आरती अग्रवाल, मनीषा खरोला, कुलदीप रोचेला, नंदलाल सोनकर, जशोदा शर्मा मसूरी माल रोड ग्रीन चौक पहुंचे और जल निगम और ठेकेदार के खिलाफ आवाज बुलंद कर जमकर नारेबाजी की और सड़क को खोदने के काम को रुकवा दिया गया। इस मौके पर सभासदों ने कहा कि जल निगम और ठेकेदारों द्वारा पहले पूर्व में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराया जाए, जिससे कि लोगों को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, वहीं मसूरी में सभी स्कूल भी खुल गए हैं, जिस कारण बच्चों और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित ही यहाँ पर कल चीफ जो हैं जल निगम के, वो यहाँ पर आए हैं और उनके अन्य अधिकारी भी साथ में, और वो पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी छुट्टियां हैं और पर्यटक यहाँ पे आने वाले हैं, तो इस संदर्भ में वो जो है जितना उनसे हो सकता है उसको तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी उनसे निवेदन है कि कम से कम जो है कल तक जितना काम हो सकता है उतना काम किया जाए, उसके बाद जो है 3-4 दिन कम से कम जो है जब तक पर्यटक यहाँ पर, तो काम को रोक दिया जाए और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से जो काम पहले हो गए हैं उनको जो है बहुत तेज़ी से उन पर जो है पैच और जो भी मरम्मत कार्य होने वो हो, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा इसमें हो। देखिए, निश्चित मसूरी हमारी शहर है, एक टूरिस्ट शहर है और भगवान की कृपा से चीज़ें सुधरी हैं, कोविड हमारा ख़त्म होने की स्थिति में जा रहा है, तो हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, हमें पता है, हर सैटरडे संडे के अलावा अभी जो होली की छुट्टी में आएगी। तो आज का जो हमारा फोकस है विशेष रूप से वो है कि मॉल रोड को हम अपने लाइब्रेरी से लेकर पिक्चर पैलेस तक क्लियर कर लें, ताकि जो हमारे टूरिस्ट कल आने वाले हैं उनको असुविधा कम से कम हो। और इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।